हेलो जी। तो आज की रेसिपी है छोले, यानी कि सफेद छोले सफेद चने। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम छोले, यानी कि चने, जो भी आप इसको बोलते हो। इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये बेक के डबल हो चुकी हैं। तब हम इसको अच्छे से कर लेंगे वॉश। वॉश करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी से इसको हमने कर दिया वॉश। और वॉश करने के बाद हमने इसको डाला है कुकर में, और जितने आपके पास छोले हैं उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले। आप एक पोटली बना लीजिए, और उसमें आप जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं, यानी कि काली मिर्च, हरी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी, चाय पत्ती, लौंग, ये सब आप इसमें पोटली में बांध के उस पानी में डाल दीजिए, यानी कि कुकर में आप उसको रख दीजिए। तो ऐसे ही आपके जो छोले हैं वो होटल जैसे छोले, यानी कि रेस्टोरेंट में जो मिलते हैं छोले भटूरे वाले छोले, वो ही बन के तैयार होंगे। तो इसको मेरे पास ये है, तो मैंने इसमें ये डाल दिया है इसमें। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेज पत्ता, यानी कि 1 तेज पत्ता यूज किया है मैंने, और डाला है 1.5 चम्मच इसमें नमक। अब मैं इसको कुकर को रख दूंगी गैस पे, और इसको 5 से 6 सीटी आने तक चढ़ा के रखूंगी, जब तक ये सीटी हमारी बजती है, जब तक मैं इसका बना लूंगी मसाला। तो यहाँ मैंने ले लिए 2 बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर और 3 से हरी मिर्च। अब हम इस सब मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को अलग ग्राइंड करना है, और लहसुन अदरक का पेस्ट आप पहले से रेडी करके रखें, नहीं तो आप उनको छील के वो भी आप प्याज के साथ ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है मसाला, यानी कि मैंने प्याज भून लिए हैं, और साथ ही साथ इसमें डाल दिया टमाटर की प्यूरी जो हमने अभी अभी तैयार की थी। तो इसमें भी मैं थोड़े से मसाले डालूंगी, यानी कि मैंने यहाँ पे डाली है लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला डाला है। तो इसको हम अच्छे से चलाएंगे, और देखिए मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया। जब तक मसाला तेल ना छोड़े, जब तक आपको मसाले को भूनना है, तभी ही आपको टेस्ट आएगा। तो थोड़ी सी इसमें मैंने डाल दिया अजवाइन, जिससे कि बिल्कुल भी ये बदहजमी नहीं करेंगे छोले, बिल्कुल टेस्टी बनेंगे और आपका पेट भी खराब नहीं होगा, आप जितने मर्जी इसको खाइए। तो इसको भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया, और तो देखिए हमारे मसाले ने दिया तेल छोड़। तो अब इसमें हमने जो हमारे उबले हुए छोले हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये बनेंगे बिल्कुल छोले भटूरे वाले छोले, जो कि आप हमेशा बाजार में या होटलों में जाके खाते हैं। ये बिल्कुल उसका वही टेस्ट आएगा अगर आप मेरे मुताबिक स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे। तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है, तो उसकी जगह पे इमली का पानी या फिर अमचूर भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप फिर से पकाएंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो छोले में अच्छे से हो जाए मिक्स। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो मेरे 2 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको भटूरे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो गाइस फिर मिलेंगे आपके साथ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।